रहिए और सुरक्षित रहिए। सो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अपने पीहर। जानते ही है जब लड़कियाँ पीहर जाती हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सो मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे मायका, ससुराल और प्लस आज मेरे मम्मा और पापा की एनिवर्सरी है तो मैं सबसे मिलूंगी। सो मैंने सोचा क्यों ना ये खुशी आपके साथ शेयर की जाए। तो आज आप मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, अपने घर को दिखाऊंगी, आज पूरे फंक्शन को एंजॉय करोगे आप। सो हमारे साथ बने रहिए। अभी कुछ ही समय बाद मैं नवाबों के शहर लखनऊ से निकल के हम सब के आराध्य भगवान श्री राम की नगरी में प्रवेश करेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए भगवान की नगरी। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं, मैं जाऊंगी स्टेयर से। हस्बैंड मेरे जो है वो अंडरग्राउंड में गए हैं कार लेने के लिए, तो वो आएंगे गेट पर, तब तक हम लोग चलते हैं। और मेरे गार्ड अंकल को वह दिक्कत थोड़ी सी, उनको हुआ था कोविड तो उसके शिकार थे, वीकनेस हो रही है, तो उनके लिए मैंने ये दवा ली है, वो मैं जा रही हूँ उनको देने, जिससे वो अच्छे से और जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और अच्छे नेचर के हैं अंकल। मैं अभी आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी। सो आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए अंकल के पास। बस हम लोग आ गए हैं अंडरग्राउंड, सॉरी ग्राउंड। ये मेरे अंकल जी। अंकल हाय बोलो, हाय बोलो अंकल। ये लीजिए दवाई। हाँ इसको आधा चम्मच इसको लेके और गर्म दूध के साथ इसको पी लीजिएगा, ठीक है, और आराम मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगी अंकल तो बताना, ठीक है। हाँ भैया क्या हाल। सो गाइस मैंने दवाई दे दी है अंकल को, मेरी कार अभी तक आई नहीं है तो मैं वेट कर रही हूँ। ये देखिए ये ग्रीनरी है यहाँ पर। अच्छा चलिए 52 पीजिए ना, ये हमारी गाड़ी आ गई। तो भैया को दिक्कत है, उनको भूख नहीं लगती है, उनको ताकत की दवाई चाहिए। इतना ताकत, इसको नीचे करिए, ग्लास नीचे करिए। भैया जो क्लीन करते हैं ना उन्हें वीकनेस है, मतलब उनको ताकत की दवाई चाहिए। पूरा फ्लोर साफ करते हैं ये वीक हो सकते हैं कभी। सो मैं निकल चुकी हूँ लखनऊ से अयोध्या के लिए। एक मिनट गाइस मैं सीट बेल्ट लगा लूँ, तो मैं आपसे बात करती हूँ और कंटिन्यू रहती हूँ। तो चलिए हमारे साथ घर पे। सो आप पूरे रास्ते बहुत इंजॉय करने वाले हो, ये मैं श्योरिटी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि आप हो उसके साथ जो है थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत नहीं बोल सकती। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। पोरबंदर जहाँ हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वो ये 3500 किलोमीटर की रूट है और ये जाता है असम तक। तो ये हमारे अयोध्या से होते हुए जाता है, तो चलिए चलते हैं अयोध्या इस रूट को एंजॉय करते हुए। इतना खूबसूरत सा नीला नीला आसमान, ये हरी भरी पूरी हरियाली और ये खुशनुमा माहौल, मौसम, सब कुछ आपके साथ है। हम और आप आ चुके हैं भगवान श्री राम की नगरी में। तो आप तो बोलो जय श्री राम और साथ में बोलो जय हनुमान। सो हम लोग अयोध्या
अयोध्या पहुंच चुके हैं और अभी घर तो नहीं जाएंगे क्योंकि माँ और पापा के लिए पापा की एनिवर्सरी है। सो हम लोग उनके लिए कुछ शॉपिंग करेंगे और लखनऊ में तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ लॉकडाउन ओपन हुआ ही नहीं है। सो हम लोग चले और शॉपिंग करते हैं और फिर इवनिंग में हम लोग दिखाएंगे आपको हमने माँ के लिए क्या लिया। शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और मैं पहुंच गई हूँ अपने घर के गेट पर जहाँ मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। होप सो गेट तो खुला हुआ है, वो भी हमारे जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो भी मुझे कि मैं आ रही हूँ और उनसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं उनसे मिलूँगी। पर कुछ दिख नहीं रहा है, चलिए मैं दिखाती हूँ सब कहाँ है। ये आया मेरा भाई, ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर, ये कहाँ, ये है मेरा घर। सर चले माँ से मिलवाते हैं आपको। जल्दी से माँ से मिलवाऊंगी आपको, पापा से मिलवाऊंगी। और पता है आपको मेरी दादी भी है जो 19+ है, उनसे मिलेंगे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये देखो वो सबसे पहले खड़ी है। ये है हमारी दादी। ये हमारी दादी है। दादी हाय बोल, हाय हाय बोल, हाय। आशीर्वाद दे रही है। देखो खुद ही को नहीं पहचान पा रही है, बच्ची नहीं है। हो है ना, बच्ची नहीं है ना। चलो 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 चलो, खुद ही नहीं पहचान पा रही है। और ये पापा, ये है मम्मी, ये मम्मी से मिलो, हैप्पी एनिवर्सरी। अब चलो पापा से मिल, पापा आ गए हैं, चलो पापा से मिलते हैं। ये है पापा, हैप्पी एनिवर्सरी। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है मैं घर आ गई हूँ क्योंकि आज मामा पापा की एनिवर्सरी है। सो मैं आई, मम्मा का हाथ का बनाया हुआ खाना खाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और काफ़ी समय बाद मैंने मम्मी के हाथों का बना हुआ खाना खाया। सो आप तो जानते हैं माँ कुछ भी बना दे उसमें स्वाद इतना ज़्यादा होता है कि मैं तारीफ भी करूँ तो वो कम पड़ जाती है। सो चलिए मैं दिखाती हूँ घर में हो क्या रहा है। मैं तो खैर अभी मस्ती ही कर रही थी, लेकिन तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मम्मी और पापा के लिए केक लेने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस बेकरी से हम लोग केक लेते हैं और बने रहिए साथ। ये है मटन चिकन का शोरूम। ये रहा केक, और हम लोग चलेंगे कार में।